आज हम लोग पढ़ेंगे रैड। रैड का मतलब होता है रैपिड एप्लीकेशन डेवलपमेंट। रैपिड का हिंदी मतलब क्या होता है? तेज। जी हाँ, तेज, फास्ट। सपोज कोई बना बनाया सॉफ्टवेयर है, रैड हम दो तरीके से यूज करते हैं। एक तो कोई बना बनाया सॉफ्टवेयर है, उसमें कोई प्रॉब्लम आ गई तो रैपिड एक्शन चाहिए, तुरंत एक्शन चाहिए, उसे ठीक करना है सॉफ्टवेयर को, उस सॉफ्टवेयर के पार्टिकुलर फेस को ठीक करना है, तो यहाँ पे हम लोग रैड का यूज़ करते हैं। कभी कभी कोई छोटा सॉफ्टवेयर बहुत जल्दी बनवाना है तो उस कंडीशन में भी हम लोग रैड का यूज़ करते हैं। तो बहुत छोटा सा फंडा होता है इसका और बहुत ही क्विक काम करता है, बहुत ही फास्ट काम करता है, इसीलिए इसका नाम रखा गया रैड, रैपिड एप्लीकेशन डेवलपमेंट। बहुत जल्दी, मतलब सपोज कोई रनिंग सॉफ्टवेयर है, रनिंग सॉफ्टवेयर में से एक पार्ट उसकी ख़राब हो गई तो भाई सॉफ्टवेयर तो रन कर रहा है, उसका छोटा सा एक पार्ट ख़राब हो जाएगा तो सॉफ्टवेयर में प्रॉब्लम हो जाएगी, तो उस पार्टिकुलर पार्ट को तुरंत से ठीक करना है, तुरंत से हटाना है, नया पार्ट को अपलोड करना है। ठीक है, सपोज मेरी कार है, कार मेरी चल रही है, कार की चलते चलते मेरी स्टीयरिंग ख़राब हो गई तो भाई पूरी कार को तो चेंज नहीं करना है, मुझे स्टीयरिंग को चेंज करना है, तो उस कंडीशन में रैड सॉफ्टवेयर का, रैड मेथड का यूज़ किया जाता है, रैपिड एप्लीकेशन डेवलपमेंट। ठीक है, सॉफ्टवेयर को बनाने के लिए ही यूज़ किया जाता है मेनली, सारा जितना भी मेथड आपने पढ़ा होगा, वाटरफॉल ये वो। ठीक है, तो इसका कुछ कुछ फेजेज़ है, बहुत सिंपल तरीके से बताता हूँ, कुछ कुछ फेज़ है, आप वीडियो को पॉज करके सारे फेज़ को लिख लेना। बिजनेस मॉडल, बिजनेस मॉडल में क्या होता है, हम लोग चेक करते हैं क्यों उस पार्ट्स को चेंज करना है, उस क्यों उस नया फेज़ को या छोटा जहाँ पे प्रॉब्लम आई है, क्यों प्रॉब्लम आई है, क्या प्रॉब्लम आई है, डेटा को कहाँ से कलेक्ट करना है, कौन उसे ठीक करके देगा। ये बिजनेस मॉडल है, बिजनेस से रिलेटेड जो भी मॉडलिंग आती, मॉडल से रिलेटेड जो भी क्योरी आती है या कोई भी डेटा को कलेक्ट करना, गैदर करने का काम कौन करता है, आपका बिजनेस मॉडल करता है। बिजनेस मॉडल के बाद आती है डेटा, डेटा मॉडल, डेटा मॉडल रिफाइंड जो भी डेटा कलेक्ट करते हैं हम लोग बिजनेस मॉडल से, उसको रिफाइन करती है, उसको क्या करती है, रिफाइन करने का काम कर सकती है। ठीक है, उसके बाद आता है प्रोसेस मॉडल। प्रोसेस मॉडल क्या करता है, जो भी आपका बिजनेस मॉडल में क्या किया, हम लोगों ने डेटा को कलेक्ट कर लिया, ठीक है, चेक किया सॉफ्टवेयर क्यों बनाएंगे, कैसे बनाएंगे, किस लिए बनाएंगे, डेटा मॉडल में क्या किया, उसको हम थोड़ा रिफाइन कर लेते हैं प्रोसेस बाय डेटा मॉडल में, हम पार्ट बाय पार्ट रिफाइन करके कहाँ पे किसका यूज़, टूल्स का यूज़ करना है, कहाँ पे किस डेटा का यूज़ करना है, वो हम लोग डेटा मॉडल में करेंगे। फिर यह आता है प्रोसेस मॉडल, प्रोसेस मॉडल में हम लोग कुछ भी अपडेशन करना होता है, एडिंग करना होता है, डिलीशन करना होता है, वहाँ पे हम लोग प्रोसेस करते हैं। उसके बाद आता है एप्लीकेशन जनरेशन, जहाँ पे एप्लीकेशन बन के क्रिएट हो जाती है, उसके बाद टेस्टिंग में टेस्ट हो जाता है, क्योंकि वो बन सॉफ्टवेयर तो पहले से बनी बनाई चेक की हुई होती है, तो उस पार्टिकुलर फेज को चेक करना होता है तो जल्दी से चेक हो जाता है। यही आपका 5 फेज है रैपिड का, रैपिड एप्लीकेशन डेवलपमेंट का। बहुत सारे यूट्यूब्स के वीडियो मैंने देखा, पता नहीं क्या पढ़ा के रखे हुए हैं। आप लोग कोई भी वीडियो देखोगे, देखते हो तो सबसे पहले देखो कि वो जो बंदा बता रहा है वो बंदा है कौन। ठीक है, आजकल तो बीटेक के बच्चे पढ़ाना स्टार्ट कर दे रहे हैं, एमसीए के बच्चे पढ़ाना स्टार्ट कर रहे हैं, जिनकी जॉब नहीं लगी है वो लोग यूट्यूब पे बैठ खोल के अपना बिजनेस खोल के बैठे हुए हैं, बिगाड़ी ऐसा नहीं बोलना चाहिए। तो कहने का मतलब होता है कि उनकी वीडियो देखो जो जिन्होंने कुछ लाइफ में अचीव किया हुआ है, उस फील्ड पर्टिकुलर फील्ड में नॉलेज है। आजकल यूट्यूब में जिनको अच्छा से बोलना आता है वो लोग अच्छा कमा रहे हैं, अच्छे ज्ञान दे रहे हैं और लोग देख भी रहे हैं बच्चे। तो कहने का सेंस ये है, अच्छे पार्टिकुलर वीडियो को देखो, पहले टीचर्स क्या करते हैं उनको समझो, उसके बाद वीडियो को देखो। चलो वो तो बात की बातें हैं, वो बाद में मैं बात करूँगा, कल आप लोग का पेपर भी होना होगा शायद इग्नू के बच्चों का। तो ये था आपका रैड एप्लीकेशन डेवलपमेंट का कुछ कुछ फेज़, कुछ कुछ फेज़ नहीं 5 फेज़ होगा, इतना ही आप लोग को लिखना है। अब हम लोग देखते हैं रैड का एडवांटेज क्या होता है, चूँकि छोटा होता है, फ्लेक्सिबल होता है, फास्ट होता है, बट किसी भी प्रोजेक्ट का एक पार्टिकुलर मॉडल को या एक बड़े से प्रोजेक्ट का एक छोटे से फेज को ठीक करना है तो हम वहाँ पे लोग रैड का यूज करेंगे, रैड का यूज करते हैं। तो रैड क्या होता है, फ्लेक्सिबल होता है, जहाँ मन था उसे उठा के पटक सकते हैं, मतलब किसी भी मॉडल में लगा सकते हैं, फास्ट होता है, क्विक काम करता है, इट रिड्यूस डेवलपमेंट टाइम, डेवलपमेंट टाइम बहुत ही कम हो जाता है, इंक्रीज द रीयूजेबिलिटी फीचर्स को बहुत ज़्यादा वो इंक्रीज़ करता है, किसी भी प्रोग्रामिंग पार्ट में किसी भी अलग अलग पॉइंट को हम लोग रीयूज़ करके फिर से ठीक कर सकते हैं, उस कोड को रीयूज़ कर सकते हैं। तो
ये सब उसका कुछ एडवांटेज है। डिसएडवांटेज क्या होता है, रिक्वायर्ड हाईली स्किल्ड डिज़ाइनर, बहुत हाईली, चूँकि तुरंत काम करना है, तुरंत अपडेट करना है, तो अच्छे स्किल्ड डिज़ाइनर की ज़रूरत पड़ती है। ऑल टूल्स इज नॉट, मतलब सभी जो टूल्स का हम लोग यूज़ करते हैं अलग अलग फेज में, सभी इसके लिए परफेक्ट नहीं हो सकता है रेड के लिए, ठीक है। हमेशा स्मॉलर प्रोजेक्ट में ही हम इसका रेड का यूज़ करते हैं, ठीक है। स्मॉलर प्रोजेक्ट मतलब छोटे छोटे फेज में हम इसका यूज़ करते हैं, कोई बहुत बड़ा प्रोजेक्ट रेड के थ्रू हम लोग नहीं क्रिएट करते हैं, ठीक है। तो ये इसका डिसएडवांटेज हो गया। ऑन द टेक्निकल, ऑन द हाई टेक्निकल रिस्क, मतलब कि रिस्क के लिए अच्छा नहीं माना जाता है, ठीक है। तो रिस्की काम जहाँ पे कह सकते हो, या रिस्क ऑब्जर्वेशन का काम, जैसे कि आपका स्पायरल मॉडल करता था वैसा ये नहीं करता है, ठीक है। रिस्क के लिए सुटेबल नहीं होता, रिस्क के लिए एक ही बार सबसे अच्छा मॉडल टूल्स है, आप मेथड है आपका, वो स्पायरल, उसके बाद थोड़ा सा प्रोटोटाइप मॉडल, ठीक है। उसका वीडियो भी आपको मेरे वीडियो प्लेलिस्ट में जाके मिल जाएगा। कहाँ पे यूज़ करते हैं, तो शॉर्ट टर्म में यूज़ करते हैं, ठीक है। शॉर्ट टर्म में यूज़ करते हैं व्हेन द रिक्वायरमेंट आर वेल नॉन, जब हमें पता होता है कि हमारे प्रॉपर रिक्वायरमेंट कहाँ है, वो उस कंडीशन में हम लोग रेड का यूज़ करते हैं। तो बहुत सिंपल सा टॉपिक था, वीडियो को पॉज करके सारे नोट्स को लिख लोगे। वीडियो अच्छी लगी तो सब्सक्राइब करो, लाइक करो, लाइक नहीं करते हो भाई वीडियो देख लेते हो। जल्दी मिलता है एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद, बाय।